दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो इसे सबसे पहले ही डिसलाइक कर दें, और मुझे कमेंट में एक रीज़न बताएं कि आपने ये डिसलाइक क्यों किया। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई मिस्टेक है तो मैं नेक्स्ट टाइम उस गलती को ठीक करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं 70+ वीडियो बना चुका हूँ लेकिन मुझे कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि मैं क्या गलती करूँ उसे मुझे मालूम भी तो चले कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से मेरी वीडियो उतनी कोई खास मतलब लोग नहीं देख रहे हैं, उसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं, लाइक कम आ रहा है और डिसलाइक नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे समझना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो यार डिसलाइक कर दो, मैं लाइक करने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये फिरौन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो में मैं फिरौन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने फिरौन के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लें। 1981 में डॉक्टर मोरिसिस को फिरौन की मम्मी पे फाइनली रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। जब ये लोग इसकी बॉडी को फ्रांस लेकर आते हैं और इस पे रिसर्च करते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि इसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, क्योंकि इसके पेट से रिसर्चर को सॉल्ट यानी नमक मिला था। रिसर्च के बाद फिरौन की मम्मी को वापस इजिप्ट भेज दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर मोरिसिस उस रिपोर्ट को बार बार देखते हैं क्योंकि वो इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, और अब इनके माइंड में उस मम्मी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे। जैसे कि ये मम्मी पानी में डूबकर कैसे मरी, और पानी में डूबने के बाद इसकी बॉडी सड़ी क्यों नहीं, और इसके सिवा और इसके बाकी सिपाहियों की बॉडी क्यों नहीं मिली। डॉक्टर मोरिसिस इसकी डेथ के पीछे की मिस्ट्री जानने में लग गए थे। तभी डॉक्टर मोरिसिस को अपने असिस्टेंट से बहुत अजीब बात पता चलती है। वो ये कि मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक में फिरौन की मौत के बारे में बताया गया है और मुसलमान उस बात को सच भी मानते हैं। डॉक्टर मोरिस ने हंसते हुए उस बात को इनकार कर दिया और कहा कि ये इम्पॉसिबल है, और फिर वो फिरौन की मौत की मिस्ट्री के बारे में जानने में लग गए। पर उनको उनके सवालों का कहीं जवाब नहीं मिला। तब वो लास्ट में कुरान पढ़ते हैं और जानकर हैरान हो जाते हैं कि उस किताब में फिरौन के डूबने से लेकर सही सलामत रहने तक की बात कही गई है। डॉक्टर मोरिसिस हैरान थे कि इस्लाम को आए हुए सिर्फ 1400 साल हुआ है और रेमेसिस की मौत 200 साल पहले हुई है, और जो बात रिसर्चर को फिरौन की बॉडी में रिसर्च की बात पता चली है वो सब बात कुरान में पहले से मौजूद है। डॉक्टर मोरिस जब फिरौन के बारे में सब पढ़ लेते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि ये सब बात सच है तो वो फौरन ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर मोरिस को अपने इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला था कि फिरौन की मौत पानी में डूबने से कैसे हुई है, लेकिन इन्होंने अपनी मौत से पहले फिरौन से रिलेटेड सारे सवाल के जवाब इन्हें मिल गए थे, और इन्होंने अपनी मौत से पहले एक रिपोर्ट तैयार किए थे जिसमें इन्होंने फिरौन से रिलेटेड और अपने रिसर्च के मुताबिक सारे सवाल के जवाब उसमें दे दिए थे। डॉक्टर मोरिस ने अपने उस सवाल का भी जवाब उस रिपोर्ट में दिया जिसके बारे में वो जानना चाहते थे कि फिरौन पानी में डूब के कैसे मरा। डॉक्टर मोरिस बताते हैं कि जब वो कुरान पढ़ते हुए उस आयत पे पहुँचे जहाँ फिरौन का वाक्या बताया गया है कि जब फिरौन और उसके सिपाही मूसा और उसके मानने वालों को मारने आ रहे थे तब मूसा के लोग एक समुंदर पे जाके रुक जाते हैं, और वो लोग मूसा से पूछते हैं कि अब वो लोग इसे कैसे पार करें क्योंकि इन लोगों के पास ना ही नाव है और ना ही कुछ है जो इस समुंदर को पार करें। तब अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी को समुंदर के करीब ज़मीन पर रख दें। जब मूसा ने ऐसा किया तो वो समुंदर दो हिस्सों में बट गया और मूसा के लोग समुंदर के बीच से जाने लगे, और पीछे से फिरौन और उसके सिपाही ये देखकर हैरान हो गए थे। लेकिन फिरौन वो भी उस रास्ते पे जब जाने लगा तो अल्लाह ने लाठी को हटने का हुक्म दिया और पानी वापस पहले जैसी हो गई, जिसकी वजह से फिरौन और उसके सिपाही उस पानी में डूब जाते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि वो फिरौन की बॉडी को ज़मीन पर फेंक दे, तो पानी ने फिरौन की बॉडी को ज़मीन पर फेंक दिया और उसकी बॉडी ज़मीन पर कई दिन तक वैसे ही पड़ी रही। लेकिन जब कुछ लोगों का रेड सी के पास से गुजर होता है तो वो लोग रेमेसिस की बॉडी को देखकर पहचान जाते हैं, और वो लोग रेमेसिस के महल वालों को बताते हैं। तब महल के लोग आते हैं और उसकी बॉडी को महल में लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी में मसाले लगाकर ताबूत में रख देते हैं।
दोस्तों रेमेसिस सबसे कम उम्र का फिरौन था, जिसकी वजह से उसको अपने अंदर बहुत ज्यादा घमंड और गुरूर था, और इसी वजह से उसने अपने आप को खुदा कहा था। लेकिन बादशाह हो या फकीर हो, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं होती है और मरना सभी को है। पर फिरौन का ऐसा हाल इसलिए है क्योंकि उसने लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया और ख़ुद को खुदा कहा, जिसकी वजह से खुदा ने उसकी बॉडी को इबरत के लिए आज भी सही सलामत रखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, और कमेंट में मुझे एक रीज़न बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मैं समझ सकूं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो पसंद नहीं है, ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।